हेलो एवरीबॉडी, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सक्सेस हरियाणा। ये वीडियो में ग्रुप डी के रिवाइज रिजल्ट को लेकर के है, जो ग्रुप डी की नई भर्ती आई है उसको लेकर के, कि क्या उसका रिवाइज रिजल्ट आएगा, सभी का रिजल्ट रिवाइज होगा और बचे हुए पोस्ट है जो उनका रिजल्ट कब आएगा और क्या पोस्ट बढ़ करके आएगी या नहीं आएगी, तीनों चीज़ों का रिप्लाई बताऊँगा। और जितनी मेरी समझ है अभी तक जो मैंने सीखा है, सब कुछ देखा है एसएससी का, उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। कुछ कोर्ट की प्रोसीडिंग की नॉलेज भी है, कुछ उसके बारे में अनुभव भी, उसके आधार पर बताऊंगा। सबसे पहली बात तो ये, क्या ग्रुप डी का रिजल्ट रिवाइज होगा, क्योंकि 5 नंबर सोशियो के हट चुके हैं। तो जो मेरा मानना है, जो मैंने अपना एनालिसिस किया या अनुभव है, उसके अकॉर्डिंग मुझे ऐसा लगता है कि ग्रुप डी का कंप्लीट रिजल्ट रिवाइज होगा। अब क्या होगा, क्यों होगा, तो मेरे अकॉर्डिंग क्यों होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि जो लिस्ट आई थी उसमें दो कट ऑफ दिखाई गई थी, एक 5 नंबर के साथ, एक विदाउट 5 नंबर। जो बंदा दोनों कट ऑफ को पार कर गया वो लगा दिया, लेकिन उस टाइम क्या था, उस टाइम 5 नंबर का फैसला नहीं हुआ था, वो प्रोविजनल रिजल्ट था। अब 5 नंबर हट चुके हैं तो अब रिजल्ट दोबारा से रिवाइज करके डालना पड़ेगा, जिसमें विदाउट सोशियो ही कट ऑफ आएगी, विदाउट सोशियो के ही बच्चे का रोल नंबर आएगा उसमें। पता सबको है कि विदाउट 5 नंबर कौन लग रहा है, कौन नहीं लग रहा, लेकिन वो तो आपको इंटरनली पता है, लेकिन वो एक ऑफिशियल तरीके से जो चीज़ होती है तो उसके अकॉर्डिंग कंप्लीट रिजल्ट रिवाइज होके आएगा, जिसमें सिर्फ 95 नंबर में से कट ऑफ दिखाई जाएगी। अब रिवाइज होने में जो बच्चा बोर्ड कॉरपोरेशन में गया या जो कॉमन कैडर में गया, मेरे अकॉर्डिंग शायद वो चेंज नहीं होगा, वो बच्चा वहीं पर रहेगा जहाँ पर गया है, जहाँ तक मेरा मानना है, तो वो चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, रिजल्ट रिवाइज होके आएगा जिसमें 95 में से हो। दूसरी बात, क्या जो पेंडिंग रिजल्ट्स हैं वो कब तक आएगा, तो देखो उसकी कोई डेट तो है नहीं। अभी उनका फोकस टीजीटी पे था और अभी उनका फोकस 4 होना पे चल रहा है, लेकिन जो ग्रुप डी का रिजल्ट है वो जहाँ तक मेरा आइडिया कह रहा है तो इस वीक में आ जाना चाहिए। कोई मैं इंटरनल सोर्स गुप्त सूत्र कुछ नहीं बता रहा हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ कि इस सप्ताह में आपका रिजल्ट आ सकता है कंप्लीट, जो थी पोस्ट पेंडिंग वगैरह सब कुछ, वो रिवाइज जो रिजल्ट है ना वो ही पेंडिंग रिजल्ट उसी में मिल के आएगा, अलग से नहीं आएगा। जो रिवाइज रिजल्ट की मैं बात कर रहा हूँ वो उस पेंडिंग का मिला करके ही रिवाइज होके आएगा, जब आएगा अलग से नहीं आएगा, ठीक है। तीसरी बात, क्या पोस्ट बढ़ सकती है, तो देखो पहली बात तो ये, क्या पोस्ट अब बढ़ा सकते हैं, तो बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट में भी लिखा होता है और ये राइट भी होता है कमीशन के पास, कि जब तक डिपार्टमेंट की रिक्वेशन यानी कि डिपार्टमेंट को सेलेक्ट करके बंदा भेज दिया जाए, उससे पहले तक डिपार्टमेंट एचएसएससी के पास राइट है कि वो वैकेंसी को इंक्रीज और डिक्रीज दोनों कर सकते हैं। तो डिक्रीज तो ये करेंगे नहीं, जहाँ तक है इंक्रीज हो सकती है पोस्ट। उसका कारण एक और भी है, कारण ये है ग्रुप सी की भर्ती अटकी हुई है कोर्ट की वजह से, अभी दोबारा फॉर्म भरे, पेपर अब देखो कब होंगे, तो इसलिए कुछ ना कुछ तो दिखाना पड़ेगा कि हाँ भर्तियाँ हैं नहीं है। तो जहाँ तक मेरा आइडिया कह रहा है तो वैकेंसी बढ़ करके आएगी। अब वो कितनी बढ़ती है, वो एक नंबर भी मार्केट में घूम रहा है, कोई कह रहा है 17,000, कोई कह रहा है 20,000, कोई कितनी, देखो वो नंबर तो मुझे नहीं पता, वो तो ऐसे ही सर्कुलेट कर दिया किसी ने, लेकिन हाँ चांसेस है वैकेंसी बढ़ के आए, 1,000, 1,500, 2,000 तक बढ़ सकती है आपकी वैकेंसी। तो ये तीनों पॉइंट थे जो बच्चे बार बार ग्रुप में मेरे पास ये कह रहे हैं कि जी कब आएगा रिजल्ट। मेनली जो फोकस है वो ये है कि पेंडिंग रिजल्ट कब आएगा, और जिनके नंबर कम है उनको ये पूछना है कि भाई कब तक क्या पोस्ट बढ़ सकती है नहीं बढ़ सकती। रही बात वेटिंग लिस्ट की, तो वेटिंग लिस्ट तो जब आती है जब वैकेंसी, एक बार कंप्लीट प्रोसेस हो जाए भर्ती का, सबको ज्वाइन करवा दिया जाए, फिर पूछा जाता है कितनी पोस्ट खाली है जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनके कारण या रिजाइन दे दिया उनके कारण, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने रिजाइन दिया है, कुछ टीजीटी में भी लगे हैं और कुछ भाई इसमें आपके और किसी कारण से, किसी कोई कहीं में जिक दो जानकारी, जैसे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट में चला गया, ठीक है, तो कई तरह के रीजन है, रिजाइन किया है, ज्वाइनिंग नहीं की, कई कारण है। तो और वेटिंग लिस्ट जब आती है जब लास्ट का प्रोसेस हुआ है, क्योंकि अभी तो वैकेंसी अगर बढ़ के आएगी तो वेटिंग तो बाद की बात है, लेकिन जो वेटिंग जो बच्चे अभी तक सेलेक्ट हुए हैं उनमें जो सो रिजाइन देगा या ज्वाइन नहीं किया, वो पोस्ट तो वेटिंग से ही भरी जाएगी, पोस्ट अलग से इंक्रीज बाद में की जाती है। लेकिन ये नहीं कि अगर मान लो 500 बंदों ने नहीं ज्वाइन किया तो उनकी अभी साथ साथ दिखा देगी 500 पोस्ट बढ़ा दी, नहीं, 500 पोस्ट बढ़ेगी तो वो अलग होगी उनसे, समझ गए। तो ये अपडेट थी, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, मेरा टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको इधर मिल जाएगा, देख लेना,
उसके ऊपर जुड़ जाना, मोस्टली चीज़ें मैं शेयर करता रहता हूँ। थैंक यू, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस जरूर कर देना।